हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के का कोर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट पर यानी एपी के कॉन्सेप्ट पर हम लोग पीवाईपी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पीवाईपी क्वेश्चंस मैंने टाइप वाइज लिए हैं और हर वीडियो में एक लिमिटेशन होती है कि हम उस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं कर सकते, तो मैंने कोशिश की है कि हर टाइप इसमें इंक्लूड हो जाए। बाकी क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस पेपर के लिंक मिलेंगे, जहां से आप उन्हें डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपी के पीवाईपी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म हमने बताया था ए होता है, तो ए हो गया 5, एंड लास्ट टर्म इज 45। Then L is equal to 45. L means 45, last term. And the sum is 400. And sum is 400. Find the number of terms and the common difference. तो हमें नहीं पता कितने terms हैं, तो हमको यहाँ पे N find out करना है और common difference यानी D हमें find out करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जब भी कभी first term और last term दिया होता है तो उस टाइम पर हम लोग जो SN है यानी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं, n बाई टू ए प्लस एल। SN की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, SN की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 400। n हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है 45। 400 n by 2, 45 plus 5, 50, 400 is equal to, ये हमने cancel out कर दिया, तो n into 25, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, then n is equal to 400 upon 25, अगर हम इसको divide करेंगे, तो आएगा 25 ones are 25, 25 6 are 150। So n की वैल्यू हमारे पास में आ गई, n की वैल्यू हमारे पास में आ गई 16। अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है, तो यहां से हम लोग, और एन भी पता हो गया है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं फिर से इंफॉर्मेशन, ए इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 45, एंड एन इज इक्वल टू हम लोग ने फाइंड आउट किया है 16, एंड डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे एल ए एन की वैल्यू रख देते हैं, एल की वैल्यू है हमारे पास 45, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन की वैल्यू है 16 माइनस 1 और डी, तो 45, 5 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15 डी। सो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 अपॉन 15। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 8 जार 45, 3 जा, तो डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई। इसको सिंप्लीफाई और नहीं कर रहे हैं, 8 बाई 3 इसको हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, तो 8 अपॉन 3, तो ये हमारे पास में डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में ए और डी की वैल्यू पूछी थी, वो हम लोग ने फाइंड आउट करी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द सम ऑफ The first 7 term of an AP, first 7 term of AP is 182, and if 4th and 17th term is in the ratio 1:5, find the AP. तो find the AP के लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग वो नोट डाउन करते हैं। 7 टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म यानी कि S7 की वैल्यू हमको दे रखी है 182, और S7 है यानी n की वैल्यू 7 है। देन फोर्थ एंड 17th टर्म का रेशियो दे रखा है यानी कि
A4 एंड A17 ये हमारा रेशियो दे रखा है 1:5। सो हम लोग इससे देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। तो A4 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, A4 की वैल्यू हम लोग रखेंगे A+3D और A17 की वैल्यू हो गई A+16D और ये हो गया 1/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, देन 5A+15D इज इक्वल टू A+16D। A को इधर ले आओ तो 5A - A 4A और 15 को उधर ले जाओ D। तो ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग इसका यूज करके SN पे रखेंगे और कुछ 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 निकल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। SN की वैल्यू, S7 की वैल्यू है हमारे पास में, क्या हो जाएगा 7/2, 2A+7 है तो 7-1D। S7 की वैल्यू 182, 7/2, 2A+6D। यहां से हम लोग 2 कॉमन लेके और इस वाले 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 182 इज इक्वल टू 7 और ये हो गया हमारे पास में A+3D। इसके हम लोग यहां पे डिवाइड कर सकते हैं, 7 2 14 एंड 4 आया 7 6 26 42। 26 इज इक्वल टू A। A की वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं, A की जगह पे D की वैल्यू रख सकते हैं, D की वैल्यू है हमारे पास 4A। तो ये हो जाएगा A+3 × 4A, यानी कि 3 4 12 12, A+A 13A इज इक्वल टू 26, देन A इज इक्वल टू 2। A इज इक्वल टू हमारे पास में 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। अब हम लोग यहाँ पे D की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग A की वैल्यू रख देंगे, तो D इज इक्वल टू 4 × 2, यानी कि D इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में A और D की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या इससे सीरीज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सीरीज हम लोग। तो हमारे पास सीरीज हो जाएगी 2 और 8 है, 2 8+2 10 प्लस 8 18 प्लस 8 26 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास में एपी निकल आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स, ये ठीक है। तो यहां पे देखिए ये सम है और नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग SN लिखते हैं, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। SN इज इक्वल टू 287 दिया है, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू होता क्या है, SN इज इक्वल टू होता है N/2 2A+N-1D। अब देखो यहां से अगर हम लोग देखें तो A की वैल्यू है 1, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 4-1 यानी 3। यहां पे रख देते हैं 287 N/2 2 × 1 प्लस N-1 × 3। अब 2 को हम लोग इधर, 2 को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 7 = 14, 2 8 = 16 और 1 17, 2 2 = 4 1 5 5 74 is equal to N 2 + 3N - 3। तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 1 3N - 1 5 74। इसको थोड़ा सा अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास जगह होना जरूरी है। तो जगह बनाते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 574 3N² - N, देन 3N² - N प्लस, सॉरी माइनस आएगा, -574। अब यहां पे हमको इज इक्वल टू 0, इसका हमको क्या करना है, इसका हम लोग को
एन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता था, तो एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। अब फैक्टराइजेशन आप लोग फटाफट सोचिए कि फैक्टराइजेशन करके क्या इसका एन की वैल्यू निकल सकती है। चलिए अब मेरे साथ आंसर चेक करिए आप कि 3n² माइनस, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 42 माइनस 41 एन माइनस 74। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करते हैं, 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574। यहाँ पे हम लोग ने 3n कॉमन लिया तो यहाँ पे आया n माइनस 14, और इसमें से हम लोग प्लस 41 कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, सब जगह था। तो ये हो गया n माइनस 14, और ये हो गया हमारे पास 3n + 41 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ देखें, अगर 3n + 41 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी -41/3, जो कि वैलिड नहीं है, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब n माइनस 14 अगर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 14, और यही हमारे पास में n की वैल्यू निकल के सही आई, ये वैलिड है। लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ बोला है सॉल्व फॉर एक्स, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स लास्ट टर्म दिख रहा है, तो लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, डी भी है, एन भी है, तो हम लोग निकाल सकते हैं लास्ट टर्म की, लास्ट टर्म निकाल सकते हैं आसानी से। तो पहले यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन फिर से लिख लेते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन में देखिए ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 3, और एन की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली है 14। तो यहाँ पे हम लोग एक्स यानी लास्ट टर्म हमको निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू, ये लास्ट टर्म है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 + 14 - 1, डी की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 1 + 14 - 1 13, 13 3 90, 39, 39 + 1 40, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में 40 आ गई, और यही हमारे पास में सही आंसर है। ठीक है आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इफ द पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी, अपोजिट है, प्रूव दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। ठीक है, तो हमारे पास pth टर्म यानी ap की वैल्यू है q, और qth टर्म यानी aq की वैल्यू है p। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट nth टर्म यानी an की वैल्यू p प्लस q माइनस n होगी। देखिए कैसे करते हैं, पहले एपी लिखते हैं हम लोग, एपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस, अब यहाँ पे एन की जगह पी है तो p - 1 d इज इक्वल टू क्यू, और ए क्यू है तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। इसी तरीके से ए क्यू के लिए अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ए क्यू जो लिखा है, ए क्यू के लिए लिखेंगे तो ए क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू पी, ये इक्वेशन टू हो गई। यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा, p - 1 d माइनस q - 1 d इज इक्वल टू q - p। यहां से हम लोग डी कॉमन ले लेते हैं, पी माइनस 1 और माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1, और इज इक्वल टू q - p। तो सॉरी, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, q - p, और ये p - q बचा तो p - q।
अगर हम लोग देखें, थोड़ी सी यहां जगह बना लेते हैं पहले। अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, d इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेके p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ये कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू आ गई माइनस वन। इसी तरीके से a की वैल्यू निकालनी है हमको, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू d की वैल्यू रख देंगे। तो हम लोग इस इक्वेशन पे रख रहे हैं, तो a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू में हम लोग d की वैल्यू रख देते हैं, तो a प्लस पी माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। तो a प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पी और माइनस माइनस प्लस प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, तो a की वैल्यू आ गई q प्लस पी माइनस वन, ये हमारे पास डी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि nth टर्म हमारा ये होता है। तो nth टर्म ये होता है, तो nth टर्म हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले तो जगह बनाएंगे तब निकलेगा nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यहाँ पे an, nth टर्म an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो a की वैल्यू हमारे पास में ये निकली है p प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन, d की वैल्यू हमारे पास माइनस वन निकली है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, p प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन प्लस वन, तो ये और ये कैंसिल हो गया और हमारे पास में जो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो ए एन टर्म आया वो आया p प्लस क्यू माइनस एन, और शायद हम लोग को यही प्रूफ करना था p प्लस क्यू माइनस एन, तो ये हमारा आगे आंसर हैंस प्रूफ। ठीक है, तो बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, a और d की वैल्यू निकाल के, बस जो प्रूविंग हमें a n की निकालनी है बस उसमें हम लोगों ने a और d की वैल्यू पुट कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3, यानी कि a 11 अपॉन a 18 हमारे पास दे रखा है 2/3। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, हमको फाइंड करना है 5th टर्म, यानी कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a5 अपॉन a21, ये रेशियो निकालना है। साथ ही साथ एंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ 5th टर्म और 21 टर्म, यानी कि हमको ये भी निकालना है कि s5 अपॉन s21, हमको ये भी निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इस वाले रेशियो से कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, a11 यानी कि a प्लस 10d, a18 यानी a प्लस 17d इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे आएगा 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d, तो 3a माइनस 2a यानी a आ गया और 30 उधर चला गया तो ये आ गया 4d, तो ये एक रिलेशन हमारे पास a इज इक्वल टू 4d का मिल गया। अब हम लोग a5 अपॉन a21 निकाल सकते हैं, a5 अपॉन a21, a5 होता है a प्लस 4d और a प्लस 20d, यहां पे वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं 4d प्लस 4d अपॉन 4d प्लस 20d, तो ये हमारे पास हो गया 8d अपॉन 24d। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, d से d कैंसिल और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1/3, तो हमारे पास a5 अपॉन a20 8 3 24 सॉरी
केवल 21 नहीं है, ये A21 है, इसका रेशियो हमारे पास में आ गया है 1/3, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ साथ हम लोग को एक और चीज निकालनी है, इसके लिए मैं दूसरा कलर का यूज कर रहा हूं, S5/S21। तो S5/S21, S5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 2a प्लस S5 है तो 5-1 डी अपॉन 21/2, इसलिए क्योंकि S21 है तो 21 n की वैल्यू है, 2a प्लस 21-1 डी, ये 21 ना लग के कुछ 4 जैसा हो गया था, राइटिंग पे बहुत ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये बाई टू कैंसिल हो गया और ये हो गया 5/21, ये हो गया 2a+4d और ये हो गया 2a+20d। चलिए a और d की वैल्यू रख देते हैं, a और d का जो हम लोग ने रिलेशन निकाला था a=4d वो हम लोग यहां पे रख देते हैं। तो 5/21 2 × 4d + 4d अपॉन 2 × 4d + 20d, ठीक है। तो 5/21, 4 × 8, 8 × 4 = 12d, 4 × 8, 8 × 20, 28d, d से d कैंसिल। अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अगर हो सकता है तो 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 3 × 7 = 21, तो ये आ गया हमारे पास में 5/7 = 49। तो S5/S21 की वैल्यू 5/49 आ गई है। तो ये दोनों आंसर हमारे पास में आ गए, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP 45, 39, 33, हाउ मेनी टर्म्स, यानी सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए हमको पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वो n की वैल्यू और सीरीज हमें ये दे रखी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, यानी कि Sn की वैल्यू हमारे पास 180 दे रखी है, एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है। निकालते हैं पहले तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होने से पहले हम लोग यहाँ पे सीरीज से A और D निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू तो है 45 और D की वैल्यू है 39 - 45 = -6। देन Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + n-1 d। Sn की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 180। n की जगह पे क्या रखना है पता नहीं, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। a की जगह पे 45 है तो 2 × 45 + n की जगह पे फिर से हमें फाइंड आउट करना है और d की जगह पे हमको रखना है -6, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 180 इज इक्वल टू n/2 90 प्लस, अच्छा प्लस से पहले यहां पे हमारे पास -6n और -±+6। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाता है 360 इज इक्वल टू n और 90 और 6, ये हो गया 96 - 6n। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 96n - 6n² इंटरचेंज करते हैं साइड्स, तो ये हो जाएगा 6n² - 96n + 360 = 0। क्या इसमें हम लोग 6 कॉमन लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 6 कॉमन लिया हमने तो ये हो जाएगा n² - 6n + 60 = 0। अब इसका हम लोग को फैक्टराइजेशन करना होगा जिससे कि n की वैल्यू हम लोग निकाल पाए।
इसका क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है वो हमको देखना है। तो फटाफट आप लोग सोच के देखिए, आप लोग करके देखिए कि क्या फैक्टराइजेशन उसका हो सकता है। ठीक है, मेरे साथ आप चेक करिए आंसर अपना। एन स्क्वायर माइनस 16 को हम लोग 10 प्लस 6 ले सकते हैं, 10 प्लस 6 16 और 10 6 60 होता है। n प्लस 60 इज इक्वल टू 0, देन n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इज इक्वल टू 0, देन n कॉमन लिया हमने तो यहाँ आ गया n माइनस 10, और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं समराइज इसको, n माइनस 10 और n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो n इज इक्वल टू 10 होगा या फिर n इज इक्वल टू 6 होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, आपको डबल आंसर एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे आप, वीडियो को पॉज करके सोचिए कि ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं और क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पे 10 और 6 दोनों ही आंसर आपके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, जहां पे लिखा है Sn is equal to 3n square plus 5n and ak is equal to this, find the value of k। यहाँ पे k और कुछ नहीं है, यहाँ पे n को ही k से replace किया है बस, और कोई बात नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे Sn की वैल्यू हमको ये दी है, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक सीरीज निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, a और d हमें मेनली चाहिए, तो कैसे करेंगे हम लोग, एन की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। अब s1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी s1 की यहां पे देख लेते हैं s1 की वैल्यू कितनी है। s1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 बाई टू, एन की वैल्यू 1 है, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1, 1 माइनस 1, d इज इक्वल टू ये हो गया 3 प्लस 5 यानी कि 8। तो ये हो गया 2a और 1 माइनस 1 0 होता है, 2a से a कैंसिल हो तो a की वैल्यू आ गई 8, हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई। अब d की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखते हैं d की वैल्यू कैसे निकलेगी। n इज इक्वल टू अगर 2 रख दें हम लोग तो क्या होगा, s2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, और s2 होगा कितना, 2 बाई 2, a की वैल्यू निकल आई है तो 2 इंटू 8 प्लस 2 माइनस 1 डी, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 थ्री 12 प्लस 5 टू 10, और ये कैंसिल हो गया, 16 प्लस डी इज इक्वल टू 22, देन डी इज इक्वल टू 6, तो डी की वैल्यू भी आ गई। अब ये दोनों चीजें हमारे पास में आ गई हैं, यहां पे अगर दोनों चीजें आ गई हैं तो यहां से हम लोग ए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में दिया हुआ है हम लोग को एके की वैल्यू, एके की वैल्यू क्या दी है, एके की वैल्यू हमको दी है 164, तो 164 दी है, और एके होगा क्या, ए प्लस एन की जगह पे के आ गया यहाँ पे बस, के माइनस 1 डी इज इक्वल टू 164। ए की वैल्यू जो हम लोग ने निकाली है 8 प्लस के माइनस 1, और डी की वैल्यू जो हम लोग ने निकाली है 6, तो 6 रख देंगे इज इक्वल टू 164, 8 उधर चला जाएगा तो 164 माइनस के माइनस 1 6 इज इक्वल टू, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, फटाफट सोचिए कितना बचेगा, 158 बचेगा, नहीं 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 158 नहीं बचेगा, आप माइनस करके देखो कितना बचेगा, 156 बचेगा। ठीक है, 6 से हम लोग क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, k माइनस 1, 6 टू 12, 3 6 6 36, k इज इक्वल टू 26 प्लस 1 यानी k इज इक्वल टू 27, ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया, k की वैल्यू हमारे पास निकल आई 27, और यही हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an AP is 49 and that of first 17 terms is 289, ठीक है, find the sum of n terms। तो हमको S7 दे रखा है 49
और S17 दे रखा है 289, तो हमको Sn की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको यहां से A और D निकाल लेना है। देन आफ्टर यहां पे A और D की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 2A प्लस 7-1 D। S7 की वैल्यू दे रखी है 49, 7/2 2A प्लस 6D। तो 2 से इसे कॉमन लेके हम 2 से इसमें कॉमन लेके हम लोग हटा देंगे और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 7s are 49। देन 7 इज इक्वल टू यहां से 2 कॉमन लेके किया तो A प्लस 3D, इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम लोग अब इस इक्वेशन के लिए सोचेंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे। S17 इज इक्वल टू 289, तो S17 क्या हो जाएगा हमारे पास में 17/2 2A प्लस 17-1 D इज इक्वल टू 289। तो यहां पे पहले थोड़ी सी जगह बना ले, देखो 2 से इसमें से कॉमन लेके हटा देंगे और 17 से इसको डिवाइड किया तो आया 17 और यहां से कॉमन लिया तो A प्लस 8D इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2-1 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू 17 एंड A प्लस वो कितना था 3D इज इक्वल टू कितना था 7। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, 8-3 5D और 17-7 10। देन यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम लोग A की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इसको हमको ना एक मिनट थोड़ी सी जगह बना ले लीजिए जिससे कि आपको भी साफ साफ चीजें समझ आए जी। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख रहे हैं, कहां गई इक्वेशन फर्स्ट, ये रही। इस इक्वेशन में हम लोग D की वैल्यू रख देते हैं, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, A प्लस 3 × 2 इज इक्वल टू 7, A प्लस 6 पहले लिख दिया है तो दिमाग में कैलकुलेशन जल्दी वो पहले आ जाती है 7, देन A इज इक्वल टू 1। तो A और D की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। जब आ गई है तो हम लोग ये Sn निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, इसको दूसरा कलर से मैं कर दे रहा हूं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो n/2 2 × 1 प्लस n-1 2, n/2 2 प्लस 2n-2, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में Sn इज इक्वल टू n/2 2n ऐसे रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Sn इज इक्वल टू क्या आ गया n2। तो ये हमारे पास में Sn की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे assertion reason का क्वेश्चन है और इसमें लिखा है ABC आर इन AP एंड इफ एंड ओनली इफ 2B इज इक्वल टू A प्लस C। बिल्कुल सही बात है, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में, ABC अगर AP में है तो अरिथमेटिक मीन B इज इक्वल टू क्या आता है A प्लस C/2। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ऐसा कुछ होगा तभी ये AP में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, है ना, ये AP की कंडीशन है। ये वाला हमारा बिल्कुल सही है A। उसके बाद बोला है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल टर्म्स इज n2। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन,
एन तक। तो ए की वैल्यू वन, डी की वैल्यू, अच्छा ये बोल रहा है सम, तो प्लस लगाना है सब में। एक डी की वैल्यू थ्री माइनस वन टू, और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको थ्री माइनस वन यानी कि टू। तो हमको सम निकालना है, तो एस एन, एन टर्म्स का है एन बाई टू, टू ए यानी टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू टू है टू, एन बाई टू, टू प्लस टू एन माइनस टू, इसको ये कैंसिल किया और एन बाई टू, टू से टू कैंसिल किया, क्या आया एन स्क्वायर। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर है, तो ये भी सही है, लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन हमारा हो सकता है ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे के क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जहां पे लिखा है विच टर्म 65 है, डी की वैल्यू है 61 माइनस 65 यानी कि माइनस 4, कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब यहां पे हमारा ये लास्ट टर्म हो जाएगा ए एन, वही हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो मान लेते हैं एंथ टर्म होगा, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। चलो तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 65 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू माइनस फोर, तो 65 माइनस फोर एन प्लस फोर यानी कि ये आ गया 69 माइनस फोर एन, ये आ गया ए एन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट नेगेटिव यानी कि ए एन हमारा क्या जीरो से छोटा होगा ना, इफ ए एन इज नेगेटिव देन ए एन इज लेस देन जीरो, तो यानी कि 69 माइनस फोर एन लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस फोर एन लेस देन 69, ठीक है ना, अच्छा माइनस 69 सॉरी। अब इसका मतलब क्या होगा कि 4n इज ग्रेटर देन 69, ठीक है, देन इसका मतलब क्या होगा कि n इज ग्रेटर देन 69 बाई 4, इसको डिवाइड करो, तो 4 वन जा 4, 2 4 7 जा 28.25, यानी n जो होगा वो 17.25 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, सो वी कैन से कि n इज इक्वल टू 18, यानी 18th टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे एपी के पीवाईपी पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको प्रैक्टिस पेपर का लिंक मिलेगा, उनको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ, थैंक यू।